बढ़िया। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। चलो बच्चों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि मालूम होगा कि हम लोग क्लास 9th के लिए मैथ्स पढ़ते हैं, और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, तो ज्यामिति पढ़ रहे हैं। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक रिकॉल टेस्ट है, जो कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था उसी पर ये टेस्ट है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, ठीक है? सब बच्चे इसका आंसर जाइए करिए पोल सेक्शन में। गुड इवनिंग बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। आशीष तुमको भी हैप्पी न्यू ईयर। तो जो भी बच्चे अभी को ज्वाइन किए हैं, वे जल्दी से जाएं पोल सेक्शन में जाएं और इसका आंसर करें, क्योंकि मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। यह एक रिकॉल टेस्ट है। चलिए, मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ बेटा। सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर करिए बेटा आप चैट बॉक्स में। आप पोल सेक्शन का भी यूज कर सकते हैं, पोल सेक्शन में जाइए और वहां भी आंसर कर सकते हैं बेटा। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना? इस क्वेश्चन को अब हम लोग डिस्कस करते हैं, आखिर ये कैसे होगा। देखो आपका सवाल क्या है। क्वेश्चन ये है कि दिए गए वृत्त का जीवा और उसके द्वारा बना वृत्तखंड निम्न है, यानी ये आपसे दो सवाल पूछा गया है, ठीक है बेटा? तो एक सवाल क्या है, एक सवाल है जीवा बताना है आपको। पहला सवाल क्या है, जीवा बताना है, और दूसरा सवाल है बेटा वृत्तखंड बताना है आपको। ये दो सवाल है, ठीक? तो चलिए ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करिए। पहला ये जो लिखा होगा बेटा, ठीक है, ये जो पहला आप देख रहे हैं, ये सब का सब जीवा लिखा होगा। और दूसरा क्या होना चाहिए, वृत्तखंड होना चाहिए। तो जो आंसर मैच कर जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, पहले वाले ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन है ए बी। ए बी को खोजना स्टार्ट करिए तो आप पाएंगे कि ए बी यहाँ पे है। यह एक ऐसी जीवा है जो कि कहां से जा रही है बेटा, तो यह जा रही है केंद्र से। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं क्या, व्यास। हालांकि ये भी जीवा है, व्यास भी एक प्रकार की जीवा ही होती है, ठीक है? तो ठीक है, चलो एक हो गया। अब खोजते हैं ए बी एफ ई को। तो ए यहां पे है, बी यहां है, एफ यहां है और ई यहाँ है। तो इन चारों ही बिंदुओं के बीच का जो क्षेत्र होगा बेटा, वो यही होगा जो मैं घेर रहा हूं, जो मैं छायांकित कर रहा हूं। हालांकि इस तरह की आकृति को वृत्तखंड बोलते हैं। माइक मत ऑन करिए, मिंटू कुमार नाम से जो बच्चा है। वृत्तखंड क्या मैंने सिखाया था, मैंने वृत्तखंड ये सिखाया था कि एक जीवा होगा और एक त्रिज्या, सॉरी, एक चाप होगी। अब इन दोनों ही चीजों के बीच में जो क्षेत्र बनेगा उसी को बोलते हैं क्या, वृत्तखंड। वृत्तखंड यानी कि जीवा और चाप के बीच बनने वाले क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। यहां पे तो ये जीवा है, मैं मानता हूं ए बी एक जीवा है, लेकिन जब आप देखेंगे ये वाले पार्ट को तो यह और मुझे चाप। इम्पोर्ट सेक्शन का निशान नहीं आ रहा हाँ जी, सर, मेरे इम्पोर्ट सेक्शन का निशान नहीं आ रहा। ठीक है, आप माइक मत ऑन करिए, ठीक है बेटा? बार बार आप लोग से बोला जाता है माइक मत ऑन करिए। आप पोल सेक्शन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है? क्या बोलते, सॉरी, चैट बॉक्स में। और वैसे भी ये क्वेश्चन अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी देखो। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वृत्तखंड नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है? दूसरे ऑप्शन को देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है, ई एफ।
खोजना स्टार्ट करिए कहाँ पे मिलेगा ई एफ। तो देखिए यहाँ पे है ई एफ, ये रहा ई एफ, और दूसरा क्या है ई एच एफ जी। ठीक है बेटा, ई एच एफ जी। तो देखो ई यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है और जी यहाँ पे है। इन चारों से घिरा हुआ भाग ये होगा, जो कि एकदम सही बात है। वो क्या होगा? वृत्तखंड होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक जीवा है ई एफ और एक चाप है ई जी एफ, इससे होते हुए। अब इससे घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाएगा, अतः आपका विकल्प नंबर बी सही होगा। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और नहीं आया तो एन लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं आया तो एन लिख सकते हैं। ठीक है, गुड। सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर सारे बच्चों ने वाई लिखा हुआ, यानी कि सबको समझ में आ गया। तो योगेश, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पे आपको दो चीजें बतानी है, वृत्तखंड और जीवा। ठीक है, तो अगर आप बी वाले ऑप्शन को देखो बेटा, अगर ये नहीं समझ में आया तो देखो ई से लेकर के एफ तक, देखो ये ई से लेकर एफ तक जो मैंने रेड कलर से बना दिया, ये क्या है? आखिर ये जीवा ही तो है बेटा, ये जीवा है। और आपको क्या बताना था? पहला तो आपने बता दिया जीवा होगा, दूसरा क्या बताना था? वृत्तखंड। तो इसकी भी जांच कर लो कि क्या ई एच एफ जी वृत्तखंड है। तो देखो ई यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, जी यहाँ पे है। अब इन चारों से घिरा हुआ भूभाग ये होगा। तो इसी आकृति को या इसी क्षेत्र को ही तो क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। ये सब पिछले क्लास में बात हो चुकी थी बेटा। ठीक है, तो अतः आपका विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए अब आज का हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है दीर्घ एवं लघु त्रिज्यखंड, यानी कि मेजर एंड माइनर सेक्टर। पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आखिर ये सेक्टर क्या होता है? ठीक है, आखिर ये त्रिज्यखंड क्या होता है समझिएगा। देखो केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको चित्र के माध्यम से समझिए, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप क्या कर लीजिए कि दो त्रिज्याएं ले लीजिए जो इस प्रकार से बनी हुई हैं। ठीक है, जो इस प्रकार से बनी हुई है, मैं इसको रेड कलर से बनाता हूं इन त्रिज्याओं को, ताकि आप अच्छे से देख सके। देखो बेटा मैंने ये रेड कलर से दो त्रिज्याएं बना दी। अब नीचे की तरफ एक चाप लगा हुआ है, देखो ये जो मैं बना रहा हूं, समझना। ठीक है, जो मैंने रेड कलर से बना दिया चाप। अब इन दोनों त्रिज्याओं और इस चाप के बीच के क्षेत्र को देखो आप, तो आप पाओगे कि जो ग्रीन कलर वाला है, जिसको मैंने अभी को रेड कलर से शेड कर दिया है ना, इसको घेर दिया, यही क्षेत्र कहलाता है बेटा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, आई बात समझ में? तो मैंने क्या समझाया है कि एक दिया गया वृत्त होगा, ठीक है, मान लेते हैं इसका ये केंद्र है, दो त्रिज्याएं होंगी और इन दोनों ही त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र निकाल लेंगे। ठीक है, जिसमें चाप ये नीचे की तरफ है, ये चाप ऊपर भी हो सकता है, दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसी आकृति को ऐसे भी बना सकते हैं, समझिएगा बेटा, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए जो मैंने ये घेरा ना, ये भी क्या है? त्रिज्यखंड है। ये जो यहाँ पे मैंने घेरा, ये भी क्या है? त्रिज्यखंड है। तो बताइए क्या आपको त्रिज्यखंड समझ में आ गया? अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी बच्चे बताइए कि क्या आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको कैसे समझेंगे? तो देखो बेटा इसको अगर इंग्लिश में समझना है तो ऐसे समझेंगे, देखो यहाँ पे ये रेडियस है, ठीक है, दो रेडियस है, और नीचे की तरफ क्या है? आर्क है। देखो नीचे की तरफ क्या है? आर्क है, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया। तो द एरिया इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड आर्क इज नोन एज सेक्टर। यहां पे देखो दो रेडियस है और ये नीचे की तरफ क्या है? आर्क है। तो दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिज्यखंड। बताइए आपको समझ में आ गया? वैशाली क्या आपको इंग्लिश में समझ में आया?
ओके ओके ठीक है। तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि दो रेडियस और एक आर्क के बीच का बना हुआ क्षेत्र होता है, एरिया होता है। अब देखो त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर दो प्रकार का होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्टर, वन इज माइनर सेक्टर एंड सेकेंड वन इज मेजर सेक्टर। ठीक है, दोनों को बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसको समझना स्टार्ट करते हैं। अगर आप बात करते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड की यानी कि मेजर सेक्टर की, तो ये क्या होता है समझिएगा। देखो मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है जो कि मैंने अभी को बना दिया, और यह वृत्त का केंद्र है, और इस केंद्र से मैंने दो त्रिज्याएं इस प्रकार से खींच दी। देखो सब बच्चे देखेंगे, इस तरीके से मैंने दो रेडियस खींच दिए और यह एक गिवन सर्किल है। तो आप देख सकते हैं ऊपर का ये जो भाग होगा, अगर मैं इसको कलर करूं, चलो मैं इसको ग्रीन कलर से शेड कर देता हूं, ग्रीन कलर से। ठीक है देखना, ठीक है मैंने ये ग्रीन कलर से इस तरीके से शेड कर दिया। तो ये जितना भी आप पार्ट देख रहे हो ना बेटा, जो मैंने ग्रीन कलर से शेड कर दिया, ये पूरा यहां से लेके पूरा यहां तक है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट, जितना भी ये पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को ही बोलते हैं क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, छोटा है, और जो ऊपर वाला पार्ट बना है अभी को, वो क्या है, बड़ा है। ठीक है बेटा, वो बड़ा है, इसलिए ऊपर वाले पार्ट का नाम हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड या फिर मेजर सेक्टर। तो बेटा क्या आपको मेजर सेक्टर समझ में आया, चैट बॉक्स में वाई लिख करके बताओ, नहीं आया तो एन लिख सकते हैं, बताइए। बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चे इसका आंसर करिए। ठीक है, ओके ओके गुड। तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि अगर वह सेक्टर बड़ा है तो वो क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा, जो कि यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है सेड करके। ठीक, चलो अब समझते हैं माइनर सेक्टर यानी कि लघु। बेटा एक सेकेंड, अभी आपको स्क्रीन दिखने लगेगी, ऐसे ही रुकिएगा, सब बच्चे ऐसे ही रुकेंगे, अभी आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। बच्चों क्या आपको मेरी स्क्रीन अब दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है ना? हाँ, ठीक, बढ़िया, ओके ओके चलो देखा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लघु त्रिज्यखंड के बारे में यानी कि माइनर सेक्टर के बारे में, पढ़ते हैं इसके बारे में आखिर ये क्या होता है। तो उसी चित्र को ध्यान से देखिए, चलिए मान लेते हैं यह एक वृत्त है, यह वृत्त का केंद्र है, और दो त्रिज्याएं आप खींच लीजिए इस प्रकार से, इस प्रकार से दो त्रिज्याएं। ये गौरव नाम से जो लड़का है इसको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं, क्लास में बदतमीजी कर रहे हो, पढ़ नहीं जा रहा है तुमको, मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं तुम्हें, और इंटरव्यू नहीं करने तुमको। तो गौरव करके जो भी बच्चा था इसको क्लास से बाहर कर दिया गया है, सारे बच्चे अब स्क्रीन पर देखेंगे। देखो यहां पे मैंने क्या किया, इस तरीके से पार्ट को मैंने सेट किया, देखो ऐसे। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट बड़ा था है ना, लेकिन नीचे वाला पार्ट क्या है, छोटा है, और इस छोटे ही पार्ट की वजह से इसका नाम पड़ गया है लघु यानी कि माइनर। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, और अगर इंग्लिश में इसको बोलना होगा तो इसको बोलेंगे बेटा माइनर सेक्टर। तो अगर बड़े वाले पार्ट को लेंगे तो वो मेजर सेक्टर होगा, और अगर छोटे वाले पार्ट को लेंगे तो वो माइनर सेक्टर होगा, लघु त्रिज्यखंड होगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए।
हाँ कर लो कर लो। लेकिन हमारा यही मानना है कि पढ़ाई कर लेते ज्यादा बेटर होता है, पढ़ाई के बाद भी कर सकते हो। हाँ ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया, बढ़िया। ओके बेटा, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और तब जाके इसका आंसर करिएगा पोल सेक्शन में। इसलिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं, अब आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। पोल सेक्शन में जाइए और इसका आंसर करिए, ध्यान से पढ़िए, कुछ भी टफ नहीं है, है ना? बहुत इजी सा सवाल है, जो मैंने अभी को पढ़ाया एकदम उसी प्रकार का है। बेटा मिंटू कुमार से जो बच्चा है वो अपना माइक बंद रखो, अदरवाइज क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है? क्लास में डिस्टरबेंस किसी भी प्रकार का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं बाकी बच्चों का लॉस होता नहीं देख सकता, ठीक है? पढ़िए, अगर आपको कुछ पूछना ही है तो चैट बॉक्स का यूज करिए। अभी मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगा, तुरंत पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैंने चैट बॉक्स ऑन भी कर दिया, पूछिए अब अपना डाउट, या फिर आप आंसर कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, जो भी पार्ट आपको सही लगे चैट बॉक्स में इसका आंसर करिए। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, अब इसको समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, इसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं बेटा, आखिर ये है क्या, देखना आप लोग। क्लियर ये सर। पूछा गया कि दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं और उनके द्वारा बना त्रिज्यखंड निम्न है, यानी आपको यहाँ भी दो सवाल बताना है। पहला सवाल है कि त्रिज्याओं को बता दीजिएगा, और दूसरा सवाल है त्रिज्यखंड को बता दीजिएगा, यानी कि सेक्टर को बता दीजिएगा, जो कि अभी को मैंने आपको पढ़ाया है सेक्टर, और आपको मैंने सिखाया भी था सेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। सेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या मेजर सेक्टर, और एक होता है बेटा माइनर सेक्टर। तो बस इतनी सवाल है, अब इसको देखते हैं। तो पहले ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, पहला ऑप्शन लिखा गया है एओ और डीई, तो एओ और डीई को खोजना स्टार्ट करेंगे, तो आप पाएंगे कि एओ यहाँ पर है और डीई यहाँ पे है। तो आप कहेंगे सर एओ तो त्रिज्या है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, एओ क्या है त्रिज्या है, लेकिन सर ये जो डीई है ना, ये डीई ये त्रिज्या नहीं है, बल्कि ये क्या है जीवा है। तो ये तो ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो गया। बताओ आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जितने बच्चों को यहां तक समझ में आ गया कि ए गलत क्यों है वो वाई लिख दीजिए, जिनको नहीं आया वो एम लिख सकते हैं। आ गया ना सबको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात बेटा, सबको समझ में आ गया कि सर जो डीई है वो एक जीवा है, और इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें त्रिज्याओं को बताना था। चलिए अब ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो डीई और जी एफ है, डीई को खोजना स्टार्ट करिए, डीई यहाँ पे है और जी एफ देखो बेटा यहाँ पे है ये, ठीक? तो इन दोनों की आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये दोनों ही क्या है त्रिज्याएं नहीं है, ये दोनों ही आपस में क्या है जीवाएं हैं, डीई भी जीवा है और जीएफ भी जीवा है। तो बी वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ए वाला तो गलत था ही, बी वाला भी गलत हो गया, अब बचा कौन सा सी वाला। तो सी वाले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे दो त्रिज्याएं हैं एओ और ओबी, एओ देखो यहाँ पे एओ और ओबी यहाँ पे ओबी इस प्रकार से, ठीक है बेटा? एओ और ओबी, आप पाएंगे कि ये दोनों ही क्या है त्रिज्याएं हैं। क्यों? क्योंकि
क्योंकि ए ओ भी क्या है, त्रिज्या, जहां पे बिंदु ओ क्या है, बिंदु ओ केंद्र है। ठीक है, आप पाएंगे कि बिंदु ओ क्या है, केंद्र है, और ए ओ त्रिज्या है। इसी प्रकार आप पाएंगे जो ओ बी है ना बेटा, वो भी क्या है, त्रिज्या है। तो बताओ सी वाला ऑप्शन इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना, वाई या एन लिख करके बताइए, क्या आपको इतना समझ में आया? बढ़िया, अगर इतना समझ में आया तो आगे देखो। अभी आपको एक और काम करना बाकी है, त्रिज्यखंड को पहचानना बाकी है। तो ये जो मैं इस तरीके से बना रहा हूं, इसको खोजना स्टार्ट करो इस चित्र में। तो ए ओ बी सी ए खोजना स्टार्ट करो। देखो ए ओ बी सी, और तब जाके फिर क्या है, ए, यानी यहां से स्टार्ट करके पूरा का पूरा क्षेत्र बेटा आपको ये दे दिया गया है विकल्प नंबर सी में। तो आप खुद बताओ, जहां तक हमको लगता है, आप खुद बताओ कि क्या ये जो क्षेत्र है ए ओ बी सी ए, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? अगर कहलाएगा तो वाई लिख दो, और अगर नहीं कहलाएगा तो एन लिख दो। चलो आप लोग खुद बताओ, सारे बच्चे आंसर करिए, है ना? कह देंगे ना बेटा इसको त्रिज्यखंड, बिल्कुल। बिल्कुल बढ़िया, तो उस हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त की परिधि यानी कि परिमाप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अब क्या होता है ये वृत्त की परिधि यानी कि पेरीमीटर, इसको हम लोग देखेंगे। देखो बेटा ध्यान से समझना, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की आप क्या करना, कोशिश करना। लिखा है कि संपूर्ण वृत्त, हाँ बिल्कुल सना, गुड गुड, संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई होती है उसको परिधि कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए। बस मान लेते हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर हैं, इस रेड कलर पर हैं, ठीक है, या फिर तुमको एक ऐसे समझा देते हैं, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी है बेटा, एक व्हीकल है, व्हीकल, ठीक है, ऐसे मैंने ये व्हीकल बना दिया। अब ये यहां से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है बेटा, ये यहां से चलना स्टार्ट करती है, और ये चलते चलते चलते, ठीक है बेटा, देखना इसको आखिर चल कैसे रही है, चलते चलते फिर यहीं पर आ जाती है, समझ रहे हो आप लोग? चलते 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 पूरा यहीं पर ये आ जाती है। और मान लेते हैं कि जब इसके ड्राइवर से पूछा गया कि बताओ आपने यहां से जो स्टार्ट किया था, आखिर स्टार्टिंग पॉइंट यही तो था, ये जो स्टार्ट किया था, और जब अब जाके पहुंचे हो यानी जब इंड किया है, तो कितना मीटर चले हो? अगर ड्राइवर ने आंसर दिया कि हमने 15 मीटर चला है, तो आखिर ये 15 मीटर इस वृत्त की लंबाई होगी कि नहीं होगी? आप खुद बताओ, सोच करके आप खुद बताओ। जो ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, ठीक है, अगर उससे पूछ लिया गया कि बताइए कि आपने कितना मीटर चला, अगर उसने उत्तर दिया 15 मीटर, तो यह वृत्त की लंबाई होगी कि नहीं होगी? होगी ना बेटा, बिल्कुल होगी। तो इसी 15 मीटर को, जो कि वृत्त की क्या है, लंबाई है, उसको बोलते हैं परिधि, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। बच्चों कितने बच्चों को समझ में आ गया कि परिधि क्या होती है? कितने बच्चों को समझ में आ गया? जिनको भी समझ में आए वो वाई लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है मिंटू, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आया तो एक बार फिर से देखो। चलो मान लेते हैं तुमको मैंने एक धागा दे दिया है ना, एक डोरी दे दी। अब इस डोरी को मैंने बोल दिया कि यह है 19 मीटर की है, आखिर इसकी लंबाई जो मैंने बोल दी कि हाँ यह डोरी जो है वो 19 मीटर लंबाई की है, और तुमने इसको मोड़ करके इस डोरी को इस तरीके से बना दिया, तो आखिर
जहां से भी ज्वाइंट करोगे इस डोरी को, तो डोरी की लंबाई कितनी होगी? 19 मीटर ही तो होगी बेटा। ये डोरी को तुमने वृत्त के फॉर्म में बनाया, वृत्त के रूप में बनाया, ये 19 मीटर ही तो होगा। ठीक है, 19 मीटर ही होगा। तो इसी 19 मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे परिधि। ठीक है, सरकमफेरेंस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब एक सवाल तुम लोग से पूछते हैं। मान लेते हैं कि एक लड़का है, ठीक है, वो यहां से चलना स्टार्ट करता है बेटा, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और अगर ये लड़का एक चक्कर के बाद यहीं पे आ जाता है और इसने 25 मीटर की दूरी तय की, ठीक है, जहां से चलता है वहीं पे आ जाता है और 25 मीटर की दूरी तय की, तो हम तुमसे पूछते हैं बताओ इसकी वृत्त की परिधि कितनी होगी? 25 मीटर। सना का आंसर आ गया 25 मीटर, गौरव का आंसर आ गया, अनिल का आंसर आ गया, पवन भी ठीक है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। तो अगर वह 25 मीटर चलता है उस वृत्त पर, तो उसकी परिधि कितनी होगी? 25 मीटर होगी। अच्छी बात है। अब देखो वृत्त की परिधि को यानी कि सरकमफेरेंस को हम लोग परिमाप भी कहते हैं वृत्त का। इसका मतलब पेरीमीटर का हो, ठीक है बेटा, या तो पेरीमीटर का हो या फिर सरकमफेरेंस का हो, दोनों ही बातें क्या हैं? दोनों बातें सेम हैं। कहने का मतलब क्या है? या तो आप परिधि बोलिए या फिर परिमाप बोलिए, दोनों ही बात क्या होगी? सेम होगी। ठीक है बेटा, चलते हैं अब एक सूत्र देखते हैं। किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है ना बेटा, किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है उसके लिए एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है, जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? परिधि निकाल सकते हैं। तो ये कितना होता है? तो ये होता है 2 पाई आर, जहां पे पाई आप जो देख रहे हैं इस तरीके से बना हुआ है, इसको पढ़ते हैं पाई, पाई, या फिर इंग्लिश में इस तरीके से PI। ठीक है, ये पाई का मान होता है, एक निश्चित मान होता है। अब वह मान होता है 22/7, या फिर अगर आपको दशमलव में हाँ लिखना है तो इसका मान होता है 3.14। आगे भी होता है लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ मेनली यूज करना है 3.14। व्हाट इज मीन बाई परिधि? परिधि मीन्स सरकमफेरेंस, द लेंथ ऑफ द सर्कल और द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सरकमफेरेंस और परिधि। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके गुड। तो पाई का मान कितना होता है बेटा? 22/7 होता है। यह एक नियत राशि है, इसको आप याद रखेंगे। मान लीजिए किसी ने भी पूछा आपसे बताओ पाई का मान कितना होता है, तो आप बोलना कि पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, यह एक नियत राशि है। तो किसी भी वृत्त की जो परिधि निकालेंगे यानी सरकमफेरेंस निकालेंगे, उसके लिए सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर। और इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए कि हाँ परिधि का मान 2 पाई आर होता है। क्यों? क्योंकि इस पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल लगाने वाले हैं। ठीक है, और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आने वाला है। ठीक है, चलो तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आने वाला है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। चलो सब बच्चे इसका आंसर करो, सब बच्चे इसका आंसर करो। आप लोग कहाँ पे आंसर करेंगे इसका? तो इसका आंसर करेंगे आप लोग पोल सेक्शन में।
बाकी बच्चे भी आंसर करिए जाके। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। आंसर करो आप लोग चैट बॉक्स में। बढ़िया बढ़िया, सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि दे रखा है बेटा, परिधि ये दे रखा है। अब परिधि का मान कितना होता है? तो 2 पाई आर होता है। पाई पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान होता है 22/7। और आर का मान दे रखा है, देखो ये सवाल में दे रखा है, आर का मान कितना है? 7 है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है बेटा? बहुत ईजी है, ठीक है। आपको करना क्या था? आपको परिधि ही तो ज्ञात करनी थी। और परिधि के लिए मैं सूत्र बता चुका हूं कि परिधि के लिए सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 × पाई का मान कितना होगा? तो पाई का मान मैंने अभी को बताया था आपको, 22/7। इस वाले सवाल में दिया भी है, ठीक है, जबकि आपको याद भी होना चाहिए। और आर का मान ये तो सवाल में दे रखा है कि आर क्या होती है? त्रिज्या। आर आखिर त्रिज्या ही तो होती है बेटा, ठीक है। और त्रिज्या का मान दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो मैंने आर की जगह पे 7 रख दिया। अब आप देखेंगे कि 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2 × 22। और इसको 2 × 22 को आप करोगे कितना आएगा? 44 सेंटीमीटर। और आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा कि त्रिज्या का जो मात्रक होता है वही मात्रक होता है परिधि का। अगर त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका मात्रक कितना है? सेंटीमीटर में है। अतः परिधि का जो मात्रक होगा वो भी क्या होगा? सेंटीमीटर में ही होगा, क्योंकि ये जो मात्रक होता है ना बेटा, ये इकाई मात्रक होता है, ठीक है, इकाई मात्रक, मात्र यानी कि यूनिट। बच्चों क्या आपको ये समझ में आ गया? गुड गुड वैशाली, गुड, बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बाकी बच्चे? हाँ, बाकी बच्चे ने भी बहुत अच्छा आंसर किया था। ओके बढ़िया, चलो जैसा कि आपको मालूम चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। चलो बेटा एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करो अपने मन से। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल सेक्शन ऑन कर दिया, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? मैं
मैंने फार्मूला बता दिया था, उस फार्मूले का यूज करिए। यहाँ पे जो परिमाप वर्ड है वो परिधि ही है, क्यों मैं सिखाया हूं अभी को कि परिधि और परिमाप दोनों एक ही शब्द है, तो परिमाप के लिए या फिर परिधि के लिए एक ही फार्मूला लगेगा, अब वो क्या है, 2π r है। चलो बच्चों, अभी मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया है, ठीक है, चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, अब इसका आंसर कर सकते हो आप लोग चैट बॉक्स में। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये हर्ष नाम से जो लड़का है, ये बार बार एक ही चीज मत लिखिए, अगर ये आपने ये दोबारा से दोहराया ना तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। हर्ष, कोई बात नहीं सना, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप, ठीक है सना, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको ये फिर से समझाया जाएगा। बाकी बच्चे आंसर करिए। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि वृत्त का परिमाप, ये दिया गया है बेटा, वृत्त का परिमाप कितना है, 21 पाई है, 21 पाई। देखो अभी को मैंने आपको समझाया था कि जो परिमाप होता है बेटा, परिमाप, इसको हम लोग परिधि भी बोल सकते हैं, इसका मान दे रखा है कितना, 21 पाई सेंटीमीटर। ये तो सवाल में दे रखा है, इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि आपसे आर का मान पूछा जा रहा है। तो एक बात बताओ, परिधि के लिए जो सूत्र मैंने सिखाया था वो क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था 2π r। बताओ सना, आप बताइए क्या मैंने ये इतना सिखाया था। हर्ष नाम के बच्चे को क्लास से बाहर किया जा रहा है और इसको क्लास में एंटर भी नहीं करने देंगे हम लोग। हर्ष, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हें क्लास से बाहर कर रहे हैं हम, और इसको बाहर मैंने कर भी दिया, इसको मैं इंटर भी नहीं होने दूंगा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया ना। ओके ओके ठीक है। तो अब देखो 2π r का मान दे रखा है कितना, 21π। तुम कहोगे सर ये 21π कहाँ से आ गया, अरे मैंने परिधि की जगह पे ही क्या रखा है, 2π r रखा है, और 21π तो सवाल में ही दे रखा है ना बेटा। तो आप देखो पाई से पाई क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड्स में है, ठीक है, दोनों ही अपोजिट साइड्स में है, ठीक, आप देख सकते हैं पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या बेटा, 2 r बचेगा इधर, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका 21। अतः r का मान कितना होगा, तो 21/2, और 21 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे ना बेटा तो ये आएगा 10.5। आप डिवाइड करके देख लो, एकदम एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। बताइए कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया। ठीक है आशीष, कोई बात नहीं, आप बाद में थोड़ा सा ज्वाइन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जितने बच्चों को समझ में आ गया वो वाई टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बढ़िया। सना आपको समझ में आया, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रही थी ना, आप बताइए
सना नाम से जो बच्ची है, हाँ आपको समझ में आएगी, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। चलो बेटा इस क्वेश्चन को भी आपने कर लिया जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। सर जो आर के पास दो है वो कहाँ है? आर के पास दो, एक मिनट रुको मैं पीछे जाता हूं देखता हूं। देखो बेटा ये जो आर के पास दो है ना, ये वाला, ये नहीं बोल रहा है वो योगेश, तो ये आर के पास जो दो है ये साइड चेंज करोगे ना आपको डिवाइड हो जाएगा। तो देखो मैंने वही तो किया है, 21 को डिवाइड कर दिया 2 से। देखो इस वाले स्टेप में देखो, यहां से मैंने इस 2 को हटा दिया, क्यों? क्योंकि यहां वाला जो 2 था वो यहां पे चला गया जो डिवाइड कर रहा है। योगेश बताइए, अब समझ में आया आपको कि 2 कहां चला गया? आगे ना बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग अपना टॉपिक बढ़ाते हैं जिसका नाम है क्या, सेमी सर्कल एंड इट्स सर्कमफेरेंस, यानी कि अर्धवृत्त और इसकी परिधि। अर्धवृत्त के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं, क्या होता है अर्धवृत्त? देखिएगा तो वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक भाग एक अर्धवृत्त कहलाता है। आप क्या करिए, सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। देखो मैंने एक वृत्त बना दिया इस प्रकार से, समझना बेटा, मैंने इस प्रकार से एक वृत्त बना दिया। अब मैंने मान लो बोल दिया कि देखो ये जो बिंदु है ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, और इसका नाम मैंने दे दिया बिंदु ओ, बिंदु ओ मैंने बोल दिया। और अब मैंने ग्रीन कलर से एक लाइन खींची जो कि इसके केंद्र से होकर के जा रही है, ऐसे ये जा रही है। तो आप देखोगे कि जो वृत्त है ना बेटा यह दो भागों में विभाजित हो गया, एक ऊपर की तरफ पहला भाग, एक ऊपर की तरफ है, और एक नीचे की तरफ है दूसरा भाग। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग बताओ क्या आपको ये समझ में आया कि जो वृत्त है वो दो भागों में बट गया, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ। ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसे समझो। हाँ बेटा देखो, मान लो एक वृत्त है, मैंने आपसे बोल दिया कि यह वृत्त का केंद्र है। देखो ये जो ग्रीन कलर से बनाया है, चलो मैं इसको रेड कलर से बना देता हूँ ताकि आप लोग को साफ तरीके से दिखे, ये है रेड, ठीक है। यहाँ भी मैंने जो रेड कलर से बनाया, मान लेते हैं यह वृत्त का क्या है, केंद्र है, और मैंने एक रेखा गुजार दी इस प्रकार से जो कि अब इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है। ये दो बराबर भागों में बट गया बेटा, देखो कौन कौन से भाग है, मैं इसको शेड कर दे रहा हूँ, इसको छायांकित कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। देखो एक एक जो भाग है मैंने ऊपर की जो तरफ जो शेड किया वो ऐसे है, अब मैं इसको शेड करूंगा ब्लैक कलर से, ठीक है, देखना ब्लैक कलर से अब मैं शेड करने जा रहा हूं जो कि नीचे की तरफ मैं कर रहा हूं। देखो ऐसे बताओ, तुम लोग खुद बताओ कि क्या यह जो वृत्त है, क्या यह जो वृत्त है वो दो बराबर भागों में बटा कि नहीं बटा, वाई या एन, बट गया ना बेटा? तो इसी इसी भाग को बोलते हैं अर्धवृत्त। किसी भी एक भाग को बोल दो, चाहे तुम रेड वाले पार्ट को जो कि ऊपर की तरफ है उसको बोल दो अर्धवृत्त, या फिर तुम नीचे वाले पार्ट को बोल दो अर्धवृत्त, दोनों बातें सही है, ठीक है। तो अगर अर्धवृत्त को बनाना होगा तो कैसे बना सकते हैं बेटा? एक मिनट, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं देगी लेकिन अब दिखाई देने लगेगी, एक मिनट रुकिए, ऐसे रुकिए।
देखो आपको यही बताया जा रहा है कि एक वृत्त है और एक व्यास जो कि इसको दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। देखो बेटा यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया ये क्या आखिर व्यास ही तो है जो कि वृत्त के केंद्र से जा रहा है। अब इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, एक ऊपर की तरफ है और दूसरा नीचे की तरफ है। चलो इसको हम लोग और अच्छे समझते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ पे आपने एक कट लगा दिया, इस तरीके से कट लगा देंगे आप, ठीक है। इस तरीके से आपने अगर एक कट लगा दिया तो बताओ वृत्त कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लोग खुद बताओ वृत्त कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इन्हीं भागों को बोलते हैं बेटा अर्धवृत्त, जो ऊपर की तरफ है या जो फिर नीचे की तरफ है, ठीक है। इन्हीं भागों को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अब हम लोग इसको समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसको समझेंगे हम लोग। अर्धवृत्त की परिधि आखिर होती क्या है, आप ऐसे समझने का प्रयास करिएगा, आप ऐसे समझने का प्रयास करिएगा कि अगर वृत्त की परिधि होती, अर्धवृत्त भूल जाइए, अगर मैंने बोला आपसे कि वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि, तो अगर वृत्त की परिधि है बेटा तो आप बोलेंगे सर इसका तो फार्मूला आपने सिखाया था 2πr होता है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर बात करें, ठीक है बेटा, अगर बात करें अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल के बारे में जो कि इस चित्र में बना हुआ है, तो इसका परिधि क्या आता है समझिएगा, ठीक है। इसकी परिधि को समझिएगा, यहाँ पे 2πr था तो 2πr का हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 2πr का आधा कर देंगे। क्यों क्यों आधा करेंगे सर, क्योंकि ये पूरा सर्कल नहीं है, आप समझने का प्रयास करिए, ये पूरा सर्कल नहीं है, ये तो सिर्फ आधा सर्कल है ना, तो फार्मूले का भी क्या कर देंगे आधा कर देंगे। पूरा फार्मूला था 2πr और आधे के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, तो 2πr/2। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी यहाँ पे ऐसे खत्म नहीं होती है, इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे कि आखिर क्या होगा, समझिएगा। तो अभी देखो सब समझ में आ जाएगा, बस एक बार ध्यान से यहाँ पे देख लो। अब देखोगे आप कि यहाँ पे एक लाइन जो मैं ब्लैक कलर से बनाने वाला हूं, ठीक है, देखो ब्लैक कलर से ही बना रहा हूं, देखो ये जो लाइन आप देख रहे हो जो मैं बना रहा हूं ब्लैक कलर से, ये तो छूट गई ना बेटा, आपने सिर्फ इतने को कवर किया, कितने को, इतने इस वाली चीज को कवर किया, ठीक है, ये वाला पार्ट छूट गया जो मैं इस तरीके से तिरछी तरीके से बना रहा हूं। तो इस वाले पार्ट को अगर आप इंक्लूड करेंगे यानी कि इसमें समाहित करेंगे, इसमें लाएंगे, तो क्या होगा वो समझना, ये पूरा का पूरा था आर, ये भी पूरा का पूरा होता है आर, तो आर और आर मिलके कितना हो जाएगा बेटा 2r, है कि नहीं, तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे 2r को, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इसीलिए अर्धवृत्त की परिधि आएगी पाई आर प्लस 2r, ठीक है, ये अर्धवृत्त की परिधि होगी, यह इसका सूत्र होगा। बच्चों क्या आपको ये समझ में आ गया, चैट बॉक्स में लिख करके बताओ क्या आपको ये समझ में आया है ना। मैंने बहुत आसानी से समझाया आप लोगों को, थोड़ा समझने का बस प्रयास करेंगे। हाँ सबको समझ में आ गया, अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि अर्धवृत्त की अगर परिधि रहेंगे ना तो उसका आधा कर देंगे, यानी 2πr का आधा कर देंगे, तो जब आधा करेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वो अपने आप कट जाएगा 2 से, अपने कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आशीष मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो 2 से 2 कट गया तो बचेगा क्या सर, तो पाई आर बचेगा, तो जब पाई आर बचेगा अब उसमें क्या जोड़ना बाकी रह गया था, 2r जो कि क्या है ऊपर की तरफ उसका व्यास है, तो वो व्यास जोड़ देंगे हम लोग जो कि 2r है, बन गया हम लोग का सूत्र। होमवर्क अभी हो दे देते हैं होमवर्क, लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन करिए आप, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, बेटा 1 सेकंड रुकना, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है 1 मिनट ऐसे रुको।
देखो स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, इसी स्क्रीन का ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, इसी को करना है। इसी स्क्रीन पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो बेटा, इसको करके दिखाओ। और ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि पोल सेक्शन में करना है। जल्दी से इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में, क्योंकि मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। पेन और पेपर पे है ना, यूज कर लेना ठीक है। पेपर पे इसको लगाना अच्छे से पेन की सहायता से, ठीक है। कोई बच्चा ओरली नहीं सॉल्व करेगा, थोड़ा सा अच्छे से करोगे आप तभी आएगा। फार्मूला आपको बताया गया है ठीक है, फार्मूले के थ्रू कर देना बेटा, तुरंत आ जाएगा आपका आंसर। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है अर्धवृत्त की परिधि के लिए 2 पाई, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई आर प्लस 2 आर, ये होता है फार्मूला। किसके लिए? तो अर्धवृत्त की परिधि के लिए। इसी फार्मूले को लगा दो, जहां पे आर क्या होता है, तो आर वृत्त का त्रिज्या होता है। पाई क्या होता है? पाई एक नियतांक होता है, एक नियत राशि होती है, जिसका नाम क्या होता है? 22/7। ये एक क्या है? फिक्स्ड संख्या है, नियत संख्या। चलो अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, अब इसका आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में भी। चैट बॉक्स में भी इसका आंसर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं, अच्छे से देखना बेटा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अर्धवृत्त ठीक है, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? सिखा दिया आपको, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक। अब इसमें पाई का मान रख दीजिए और आर का मान रख दीजिए। पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 होता है। और आर का मान होता है 7, जो कि सवाल में दे रखा है, मतलब आर तो दे रखा है ना, 7 सेंटीमीटर। देखो आर का मान ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? 22, और ये 7 दूनी 14 है ना, 7 2 14, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 4 और 2 6, 2 और 3 सॉरी 2 और 1 3, सॉरी 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। बताओ बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चों ने सही आंसर किया था? प्रशांत, राहुल, अनिल, ये बस ये 3 बच्चों ने सही आंसर किया था ठीक है, बाकी बच्चे सही आंसर किए थे। कितने बच्चों का सही था जरा चैट बॉक्स में वाई लिखना, मैं समझ जाऊंगा। जिन बच्चों का गलत था वो एन लिखेंगे, ठीक है वैशाली। ओके आशीष, कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया। तो जिन बच्चों का सही था, अच्छी बात है। सना आपने नहीं किया था, ओके कोई बात नहीं। चलो इस क्वेश्चन को देख लिए ना आप लोग, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? सारे बच्चे जल्दी से लिख देना एक बार, समझ में आ गया? ठीक है ठीक है। तो अब बेटा मैं आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि क्लास ये ओवर हो गई है ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।